एक बजाएगा क्या? और ये क्या है, साउंड सिर्फ इधर इधर से आ रहा है, इधर से तो नहीं आ रहा। महाराज कान से निकाल। क्या? ओ हम है बादशाह जलालुद्दीन और ये है हमारी सल्तनत। हम अगर कहीं पैर जमा दें तो हमारे विरोधियों के पैर थर थर कांपने लगते हैं। दुश्मनी सेना अगर सामने आ जाए तो उनकी तलवारें वापस मैदान में चली जाती है और यहां से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा सो जा सो जा, नहीं तो जलालुद्दीन आ जाएगा। अरे महाराज ये तो गब्बर का डायलॉग हो गया। अरे चुप रहे। हम शूरवीरों के खानदान से हैं। हमारे अब्बा जान इतने बड़े शूरवीर थे कि मगरमच्छों से भरा एक तालाब था उसमें कूद गए। महाराज फिर क्या हुआ? होना क्या था, मगरमच्छों का ब्रेकफास्ट हो गया। अरे महाराज मैं बताता हूँ, मेरे जो चाचा जान थे वो भी बहुत बड़े सूरवीर थे, वो भी उसी मगरमच्छ की तालाब में कूदे थे। फिर क्या हुआ? अरे महाराज होना क्या था, मगरमच्छ का लंच। अरे देख के चलो, हमें ये सूरवीरता हमारे दादा ने सिखाई थी। ऐसे वैसे नहीं थे वो, उनके शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। ए गधा है तू, वो अनारकली का मेकअप थोड़ा लाइट कर और सलीम की पिक दूसरे देना। अरे मेकअप दादा की आवाज नहीं कर दे, मेरे दादा की आवाज चला। बेटा जिंदगी में हमेशा लड़ते रहना, कभी किसी से हार मत मानना। हाँ मेरे दादा कहते थे, बेटा जिंदगी में कभी किसी से हार मत मानना, इसीलिए हम आज भी अगर शतरंज का खेल हार जाए तो हार नहीं मानते। पता है दादा, हम आज भी खजाने की तलाश में लगे हुए हैं और टिल्लू जो है वो खजाना लेकर अभी आता ही होगा। जहां पना हम लुट गए, जहां पना हम खत्म हो गए, जहां पना हम बर्बाद हो गए, जहां पना। अरे क्या हुआ टिल्लू? वो रास्ते में हमें कुछ शरीफ लोगों ने लूट लिया था। अरे टिल्लू शरीफ लोग नहीं लूटते, बदमाश लोग लूटते हैं। नहीं महाराज वो शरीफ लोग ही थे। तुम्हें कैसे पता कि वो शरीफ ही थे? मेरे मौसी के ही तो बेटे थे। या खुदा तुमने सारा शाही खजाना लुटवा दिया। अरे और मुझे तुम्हें जो 3-4 महीने की पगार देनी थी उसका क्या होगा? अरे महाराज आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं, मैंने उन लुटेरों से 6 महीने के पगार पहली एडवांस ले ली थी, आप मेरी फिक्र मत करिए। टिल्लू जरा इधर आओ। जी महाराज। एक बात बताओ, तुम्हें कभी किसी ने ऐसे जमीन पे लिटा कर तुम्हारी नाभि में गरम गरम तेल डाला है? नहीं कभी ट्राई नहीं किया, आज करेंगे, आज ट्राई करेंगे। सारा शाही खजाना लुटवा दिया तुमने। अरे महाराज आपको खजाने की पड़ी है, यहाँ राज्य में अकाल पड़ गया है, खाने के लिए रोटी नहीं है। अरे रोटी नहीं है तो क्या हुआ, दाल बनवाओ माल पुआ बनवाओ, इसमें दिक्कत की क्या बात है? महाराज एक बात कहूं आपसे, बुरा मत मानिएगा। बोलो। आप ना एक नंबर के समझदार इंसान है, लेकिन महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसमें बैटरी नहीं लग रही क्या आज? नहीं बैटरी तो है लेकिन वॉल्यूम कम होगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो क्या खबर लाए हो? महाराज हमने एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा है। क्या चोर? वो महल के बीच वाली पहाड़ी तोड़ के चला रहा है। क्या उसने पहाड़ी तोड़ दी? उसने हमारा सेल्फी स्पॉट खराब किया है। हाँ हमारे महाराज का खुद का पहाड़ था, वो कई यादें जुड़ी हुई थी, वहीं से तो उन्होंने अपने ससुर जी को धक्का दिया था। अरे
क्या बोल रहे हो तुम? चुप रहो और एक काम किया जाए, ये मुजरिम को यहाँ पर पेश करो। मुजरिम हाजिर हो। सबका बदला लेगा तेरा फैजल, बाप का, बेटे का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। किसी को मेरा जीने का शर्ट चाहिए वो भी बदल के दे देगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। शानदार, जबरदार, जिंदाबाद हैदराबाद, औरंगाबाद। हो गया तुम्हारा? हाँ। अब ये बताओ पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो? दरअसल महाराज मेरी एक बीवी है जो बिल्कुल औरत नहीं लगती। महाराज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी तो 500 बीवी है, एक हमारी भी रख लो, 500 एक शगुन हो जाएगा। बदतमीज, मजाक करता है। माफी महाराज। सच सच बता तूने वो पहाड़ क्यों तोड़ा? दरअसल बहुत लंबी स्टोरी है, आओ बैठ के बताता हूँ। तो ये उस समय की बात है जब 1962 में हमने पहाड़ तोड़ना लाइक आई स्टार्टेड। लगभग 2-2.5 साल में पहाड़ तोड़ते तोड़ते मैं बीच से ऐसे वर्ल्ड टूर पे चला गया। फिर मैं वहाँ से पूछा पोलैंड। जलाल भाई अगर आपको कभी पोलैंड जाने का मौका मिले तो कभी छोड़िएगा भाई, बहुत मस्त जगह है। फिर मुझे लग गए 50 साल पहाड़ तोड़ते तोड़ते, फिर मैं यहाँ आया इंडिया। बेटा फावड़ा उल्टा पकड़ेगा तो 50 साल ही लगेंगे ना। अरे मुझे तोड़फोड़ करने में बहुत मजा आता जलाल भाई, अगर मेरा बस चले इस पूरी दुनिया को तोड़ के एक लेवल पे कर दूं। वैसे मौका दे दो जलाल भाई। अबे तू क्या यहाँ 10 का दम खेलने आया है? मैं तेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ क्या यहाँ पे? माफी जलाल। देख सच सच बोल दे तूने वो पहाड़ क्यों तोड़ा है। आओ फिर से बैठो, ये भी बहुत लंबी स्टोरी है। यहीं पे खड़े होके बोल। दरअसल मैं पहले लोगों को फाइनेंस की स्कीम समझाता था, लेकिन जब से GST आ गया है लोगों को समझाना ही मुश्किल हो गया है। इससे आसान तो पहाड़ तोड़ने का काम ही से लगता है सर। अरे पर तुम्हारी तो अब मूवी आ गई है, हिट हो गए हो, पैसे भी आ गए हैं, तो फिर क्यों पहाड़ तोड़ते हो? बहुत लंबी स्टोरी है, तो बैठ जाते हैं। आप बैठो। ये टिल्लू बहुत बोलता है, इसकी तो वापस से पूछो, मैं सवाल भूल गया। अरे मैं ये पूछ रहा था कि तुमने तो अब मूवी कर ली है, हिट हो गए हो, पैसे भी आ गए हैं, तो फिर क्यों पहाड़ तोड़ रहे हो बेटा? दरअसल ये उस समय की बात है जब हमने मूवी की थी माउंटेन की मांझी मैन, मांझी ने माउंटेन मैन। हाँ हाँ दोनों एक ही हैं, आगे बोलो। अरे फिर क्या, मूवी करने के बाद मूवी सिनेमा घर में ब्लॉकबस्टर हो गई, फिर इधर से पैसा उधर से पैसा हर जगह से पैसा पैसा, फिर मैंने पैसे को ऐसे। अरे इसका माइक म्यूट हो गया है, इसका माइक चालू करो कोई। वो तुम्हारा माइक म्यूट हो गया था पर तुम्हारी इशारे देखकर मैं सब समझ गया तुमने पैसे कहाँ उड़ाए हैं। टिल्लू इस मुजरिम को तो सजा होनी ही चाहिए, इसे फांसी पर लटका दो। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने बाहर मेरी वजह से तोड़ा है। क्या तुमने इस औरत के लिए पहाड़ तोड़ दिया? अरे पहाड़ तोड़ने की क्या जरूरत थी, इस औरत को पहाड़ के सामने खड़ा करते तो पहाड़ खुद राज्य छोड़कर चला जाता। कोशिश तो की थी महाराज, नहीं किया। महाराज इन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ वरना मैं मर जाऊंगी। अच्छा तो एक काम करो, इन दोनों को फांसी पे लटका दो। फांसी पे? फिर इसको ले जाओ। महाराज फांसी का फंदा तो इसके लिए बड़ा हो रहा है। महाराज तो फिर इसे माफ कर दीजिए। क्या कहा, माफ कर दीजिए? एक काम करो इसको फांसी पे चढ़ा दो। है महाराज फांसी का फंदा इसके लिए भी बड़ा हो रहा है। क्या कहा, इसके लिए भी बड़ा हो रहा है।
तो आज रहने देते हैं। नहीं महाराज, ये फांसी का फंदा आज ही बनवाया है, इसे खाली नहीं जाने दे सकते। ओह ऐसा क्या, तो एक काम करो, इसको फांसी पे ट्राई करो। अरे महाराज, फांसी का फंदा इसके लिए भी बड़ा हो रहा है। तो फिर महाराज, इस सवा में तो आप ही बचे, क्यों ना आप पे ट्राई किया जाए। अरे ये फांसी का फंदा किसी के नहीं आया तो मेरे भी क्यों आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी दिल की तसल्ली के लिए ट्राई कर लो। अरे भाइयों वापस आ जाओ, फांसी का फंदा महाराज के गले में फिक्स आ गया है।